जनवरी को भी खुले हैं। 10वीं और 12वीं विद्यार्थियों के लिए ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है। पिछले 35 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकारी स्कूल नए साल के पहले दिन भी खुले नजर आए। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 9 महीने तक सरकारी स्कूल बंद थे, पठन पाठन ऑनलाइन हो रहे थे। अब स्कूल इसलिए खोले गए हैं कि 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी प्रतिदिन स्कूल आकर अपना सिलेबस पूरा कर सके। सरकारी विद्यालय के शिक्षक और प्रिंसिपल भी मानते हैं कि स्कूल प्रतिदिन खोलना सरकार का एक बड़ा फैसला है। देखिए, यह हम तो खैर 31 वर्ष नौकरी किए हैं और हमारे जो बातचीत के क्रम में जो हमसे सीनियर जो पहले रिटायर कर गए उनसे भी जो चर्चा हुई कि 1 तारीख को विद्यालय खुला है, तो उनको भी पहले आश्चर्य हुआ, चूँकि इसके पहले ऐसा कभी नहीं होता था। और हम लोगों का भी एक नैतिक कर्तव्य है कि जब यह परिस्थिति थी, प्रतिकूल परिस्थिति, तो हम लोग भी प्रत्येक दिन नहीं आते थे, विद्यालय बंद था, ऑनलाइन पढ़ाई करते थे। अब चूँकि बच्चे आ रहे हैं, हम लोग भी हैं, तो उन्हीं के लिए 9 वर्ष का पहला दिन है, 2021 का पहला दिन है और हम लोग विद्यालय सारे शिक्षक आए हैं। बच्चे की संख्या तो नगण्य के बराबर है लेकिन सारे शिक्षक उपस्थित हैं और हम लोग काम अपना कर रहे हैं। नए साल के मौके पर अमूमन सभी लोग घर में या पिकनिक स्पॉट पर नए साल का स्वागत करने में लगे थे। इस बार की तस्वीर काफी बदली सी नजर आ रही है। सरकारी स्कूल के बच्चे 1 जनवरी को भी विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। इस बाबत जब विद्यार्थियों से बातचीत की गई तो आइए सुनाते हैं उनका क्या जवाब था। ये हम लोग का कोविड-19 की वजह से बहुत महीने बंद रहा हम लोग का स्कूल, तो हमारा जो सिलेबस है उसको पूरा करने के लिए हम लोग को स्कूल बुलाया जाता है। और 1 जनवरी तो हमारी प्रधानाध्यापिका ने हमारा मुंह मीठा भी कराया, जिससे हम लोग को बहुत अच्छा लगा और हमारा 1 जनवरी पढ़ाई से ही रिलेटेड स्टार्ट हो रहा है। दरअसल विद्यार्थियों के हित को देखते हुए स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है, लेकिन स्कूल में बच्चों की उपस्थिति कम है। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन अविदास के साथ अंजनी की रिपोर्ट। सभी सरकारी प्लस